जय हिंद, फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विजय सागर पॉलिटेक्स लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, एक विजय सागर फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का अलग कंपनी है और विजय सागर पॉलिटेक्स लिमिटेड अलग कंपनी, तो इस पर ध्यान देना है। हम लोग यहाँ पॉलिटेक्स लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं जो काम करती है टेक्सटाइल के सेक्टर में। आसान भाषा में समझें तो टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाली छोटी सी कंपनी है। और आपको पता है कि टेक्सटाइल सेक्टर आने वाले समय में भारत में काफ़ी बूम करने वाला है। इस सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल सकती है, इसलिए छोटी छोटी कंपनियों पर जो अभी शुरुआत कर रही है उसमें आगे बढ़ने के लिए उस पर ध्यान रखना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, शुरुआत शुरू से करेंगे, हर एक पहलुओं को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अभी देखिए काम के बारे में हम लोगों ने जान लिया, अब सीधे हम लोग फंडामेंटल पर चलते हैं और फंडामेंटल देखते हैं कि फंडामेंटल इस कंपनी का कैसा है। तो सबसे पहले देखेंगे इस कंपनी का मार्केट कैप की यदि बात करें तो मार्केट कैप है सिर्फ 30 करोड़ के आसपास। यानी कि जैसे मैंने बताया छोटी कंपनी पेन स्टॉक है तो मार्केट कैप ठीक है। मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी का जो शेयर प्राइस देखेंगे वह भी ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुक वैल्यू से ज़्यादा है शेयर प्राइस, ये अच्छी बात है। हालांकि दिक्कत यह है कि इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी और ROC है दोनों देखेंगे तो माइनस में है। पेनी स्टॉक में तो ROE और ROC माइनस में सामान्य तो होता ही है, लेकिन ये माइनस में नहीं होता तो ज़्यादा काम की ये चीज़ होती है। हालांकि समय के साथ जब फंडामेंटल ग्रो करेगा तो ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है ये पॉजिटिव में आ सकता है। मैं कह रहा हूँ, मैं आ जाएगा इस बात की गारंटी नहीं दे रहा हूँ। तो आप जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो अपनी एनालिसिस करने के बाद कि लंबे अवधि में एक कंपनी का मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है और उस मैनेजमेंट के काम करने के तरीके से लंबे अवधि में किस तरीके से कंपनी में ग्रो हो सकता है उसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। फंडामेंटल हम लोग समझ गए, अब चलिए सीधे चलते हैं कंपनी के एक साल के चार्ट पर। और एक साल के चार्ट पर समझते हैं कि चार्ट में एक साल में क्या क्या उतार चढ़ाव हुआ है। फरवरी 2023 तक इस कंपनी का शेयर प्राइस 1 रुपये 10 पैसे के आसपास चल रहा था। और अभी क्या हुआ कि अप्रैल में देखेंगे प्राइस अचानक से नीचे आने लगा। नीचे आने के बाद इस कंपनी का प्राइस 80 पैसा तक आ गया था। देखिए पेनी स्टॉक में पैसों मूवमेंट होता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी बात है कि 1 रुपये 10 पैसे से 80 पैसे तक कंपनी का शेयर प्राइस टूट गया। लेकिन अभी आप देखेंगे तो यहाँ अगस्त में देखिए क्या शानदार तेज़ी बनी, 80 पैसे से लेकर फिर से जहाँ पर इसका पहले इसको जो सपोर्ट था वो अभी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वहाँ तक पहुँच गया। और तकरीबन अभी कहेंगे कि 1 रुपये के आसपास इस कंपनी का शेयर प्राइस घूमते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के फंडामेंटल में मजबूती आ रही है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कामकाज करते हुए दिख रहा है, जिसके बदौलत इस कंपनी के शेयर प्राइस में एक लंबा छलांग देखने को मिला है। अब थोड़ा बहुत यहाँ पर चूंकि रेजिस्टेंस है तो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आया है और रिट्रेसमेंट मारकर फिर प्राइस ऊपर उठेगा तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। और इसके बाद जब ब्रेक करेगा तो सीधे आ सकता है आपको 1 रुपये 30 पैसे के लेवल तक, जो कि आप देख सकते हैं ये वाला इसके लिए रेजिस्टेंस है। यानी कि 1 रुपये 10 पैसे के लेवल को निकालने के बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस सीधे यहाँ से आएगा 1 रुपये 30 पैसा तक। तो यहाँ तक के लिए शॉर्ट टर्म में, यहाँ तक टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से यही पता चलता है कि शेयर प्राइस में एक छोटी तेज़ी देखने को मिलेगी। लंबी अवधि में कैसी तेज़ी देखने को मिलेगी, चलिए इसके लिए क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पर पता लगता है कि कंपनी का फंडामेंटल धीरे धीरे ग्रो हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं सेल्स, कंपनी का सेल्स क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रहा है कि नहीं। तो देखिए अभी आप देखेंगे जून क्वार्टर में जो क्वार्टर फर्स्ट रिजल्ट है उसमें कुछ इस कंपनी का सेल्स नहीं हुआ। पिछले क्वार्टर में भी कुछ सेल्स नहीं हुआ था, सेल्स कब होता दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट में। यानी कह सकते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल यदि पिछले कुछ हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे भले सेल्स नहीं हुआ है लेकिन जब हम एक्सपेंसेस देखते हैं, जब कंपनी के हम लोग खर्चे की बात करते हैं तो आपको खर्चे यहाँ पर बढ़ते हुए दिखे। क्योंकि देखिए कमाई हो या नहीं हो खर्चे तो होंगे ही। तो देखिए भले इस दो क्वार्टर में, इस दो क्वार्टर को ध्यान से देखिए, इसमें कंपनी के सेल्स कुछ नहीं हुए लेकिन कंपनी के एक्सपेंसेस आपको बढ़ते हुए जरूर दिखे, कंपनी के खर्चे हो रहे हैं। तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है, कमाई होता है तो उसके बाद खर्चा होता है तो बात समझ में आती है। इसीलिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखेंगे यानी कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट में है, तो प्रॉफिट में कंपनी 60 लाख के लॉस में, जो कि पहले 1 करोड़ 30 लाख के लॉस में, 3 लाख के लॉस में थी, अब कम होकर पहले कंपनी प्रॉफिट में थी फिर लॉस में आई, अब थोड़ा बहुत लॉस कम हुआ है। अच्छी बात है कि लॉस कम हो रहे हैं, लेकिन यही जब कंपनी के सेल्स यदि बढ़ते हैं तो लॉस कम होकर ये कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ जाती है। तो देखिए यदि फंडामेंटल ग्रो होगा, क्योंकि देखिए जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उसका भविष्य है भारत में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फंडामेंटल ग्रो होगा तो कंपनी के शेयर प्राइस में तेज़ी आएगी ही आएगी। तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रख सकते हैं, मैं बाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जहाँ पर आपको लगे कि अब इस कंपनी का मैनेजमेंट में सुधार हो रहा है, कंपनी के फंडामेंटल में सुधार हो रहा है, वहाँ पर आप एक छोटी क्वांटिटी इस स्टॉक में बाई कर सकते हैं। तो विजय सागर पॉलिटेक्स लिमिटेड के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। मन में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और ट्रेडिंग करके रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एमएस स्टॉक या एंजल फिर डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कराएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।